कि इस अवतार में इस जेंटलमैन को हम देखेंगे आई थिंक आप uh, समीर सर शहाना आप लोगों के लिए भी बिल्कुल सरप्राइज होगा कि ये ये क्या है दोनों के लिए था अब नहीं है अब अब नहीं है I'm, 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 मैंने बहुत सारी मस्ती करते हुए देखा है आप दोनों को इनके साथ व्हाट वी विल डू इज वी विल इनवाइट द मैन ऑफ द आवर लेज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर द वन द ओनली कपल शर्मा इज लाइक भाई आज मेरे को तू वेलकम कर रहा है वेलकम सर आइए वेलकम कपिल पाजी पाजी एक ही सवाल आपने जब करियर की शुरुआत की थी या जब आप आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे थे आपने कभी सोचा था नंदिता दास की फिल्म में हीरो बनेंगे आप गुड आफ्टरनून थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं और uh, कम टू मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था <laughs> तो हाँ एक्चुअली पर मैं नंदिता मैम का हमेशा फ़ैन रहा हूँ एज एन एक्टर जब ये काम करती थी और फिर जब इन्होंने फिल्में डायरेक्ट की दोनों फिल्में मैंने देखी हैं फिराक और मंटो उन फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने लाइफ में जब पहले भी नहीं सोचा था और वो दो फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने कभी ख्याल भी, भी नहीं आया कि ऐसे सीरियस सिनेमा बनाती हैं ये हालांकि खुद ये पर्सनल लेवल पे बहुत फ़नी भी हैं और हमने बड़ी मस्ती भी की है इस फिल्म को शूट करते हुए बट थैंक यू नंदिता मैम एंड थैंक यू समीर सर फोर टुक मी सो सीरियसली और uh, हमने एक छोटी सी कोशिश की है एक अपने देश की अपने लोगों की एक कहानी कहने की कोशिश की है जैसे नंदिता मैम ने कहा कि हमारे जितनी भी फिल्में बनती हैं uh, कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की जो uh, अपनी स्टोरीज होती hmm. हैं कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है right. बनती हैं ऐसा नहीं कि नहीं बनती पर uh, ये जब आप देखेंगे फिल्म तो आई थिंक uh, हर कोई अपने uh, हर कोई रिलेट कर पाएगा जरूरी नहीं कि वो फूड डिलीवरी राइडर ही हो

कनाडा में हम लोग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए गए तो तब मुझे बातों बातों मैंने अनंता मैम से शेयर किया मैंने कहा मैम मैं ना एक बार कोक कोक कंपनी जो कोका कोला उसमें एज ए हेल्पर काम करता था तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय ऑफकोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी और एक सेल्स होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे और उसके साथ एक हेल्पर होता था तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी नई नई यू नो एक रेवोल्यूशन आया था उस समय नाइन्टीज में तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं आ, कभी फेस करनी पड़ी हाँ मेहनत होती थी ऑफकोर्स लेकिन जब ये फ़िल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं इनको कितना यू you नो know, एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए सो so, कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में ठीक uh, है समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती रहती हैं पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन आपके डायरेक्टर ये खुद अच्छी एक्टर हैं तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो <laughs> ये पकड़ लेते हैं उसी समय सो so, uh, मुझे बड़ी हेल्प मिली और स्पेशली मेरी को स्टार शाहाना ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि यू you नो know, आपको एक प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी और बड़ी सारी चीज़ें सो थैंक यू मैम वंस अगेन थैंक यू शाहाना वेल ये तो हुई मानस की बात लेकिन प्रतिमा की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस द वेरी टैलेंटेड चाना गोस्वामी लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां कम ऑन वी कैन मेक सम नॉइज ये रात ही सुबह बुला थैंक यू कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस दिस लुक्स फैंटाबुलस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो

आप अपने अपनी पर्सनालिटी या अपने किसी चीज़ से जोड़ सकते हो तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल uh, है एज अ पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है right. और वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ मुझे हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग दिखती है मैं हर चीज़ में एक उम्मीद के साथ जीती हूँ एंड उम्मीद यही रहती है कि लोग अच्छे होंगे चीज़ें अच्छी होंगी तो उसकी वो उसका जो जर्नी है वो उस उम्मीद के बलबूते पे ही चलता है और उसके लिए वो जर्नी हल्की सी आसान हो जाती है क्योंकि उसमें एक उम्मीद है वो एक हंसी है और आई थिंक वही वो चाहती है वो देखती है किस तरह से मानस स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए वो एक एक बर्डन बन रहा है अपने फैमिली को सपोर्ट करना एक उनकी जो निजी जिंदगी बदल गई एक फैक्ट्री में मैनेजर थे अब वो एक कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन वो चाहती है कि वो उसको आसान करे उस जिंदगी right. को यू नो एंड दी अदर थिंग दैट आई इज की रिलेशनशिप जो उनकी है वो एक्चुअल पार्टनरशिप की है उनमें प्यार भी है दोस्ती भी है Uh, एक uh, उतार चढ़ाव जो रेगुलर होते हैं वो एक सिचुएशन में वो भी है

डायरेक्टर प्रोड्यूसर गिवर अपिता दास जोरदार तालियां बनती है बिकॉज दिस इज अ ब्यूटिफुल इनिशियेटिव नंदिता दास इनिशियेटिव का वेलकम पहले आप पहले आप वाह अच्छा लग रहा है मैम <laughs> कंग्रेचुलेशन जी

करता है कि कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए था बट हाँ। एक घंटे में वो कंपनी बनानी थी हाँ। तो मैंने सोचा इनिशिएटिव्स यानी आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं अलग अलग क्रिएटिव चीजों

उथल पुथल हो रही थी माइग्रेंट लेबरर्स की हम स्टोरी सुन रहे थे तो मुझे लगा एक अच्छा होगा कि अगर हम एक न्यू इंडिया पे कुछ एक कहानी चार डायरेक्टर्स मिल के साथ आए और एक कोई एंथोलॉजी करें तो मैंने तीन और मेरे जो दोस्त फिल्म मेकर्स हैं उनको इकट्ठा किया मैं समीर नायर उनके पास गई अपलॉज के पास कि आप इसे प्रोड्यूस करिए उन्होंने बहुत इसको भी उनको भी अच्छा लगा ये आइडिया और हम लोग बहुत बातें कर रहे थे फिर धीरे धीरे एक एक डायरेक्टर गिरते गए साइड में क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो बड़ी फिल्म आ रही है हम ये 20 मिनट फिल्म के लिए अपना समय अभी नहीं दे सकते तो जब वो निकलते गए तो हम इक्के दुक्के बचे रहे तो वो एंथोलॉजी तो बन नहीं पाई तो मैंने कहा चलिए मैंने कोशिश की फिर समीर नायर ने कहा कि नहीं अच्छी तुम्हारी कहानी अच्छी है तुम इसको खींचो और इसको पूरी एक फीचर फिल्म बनाओ तो मैंने कहा नहीं नहीं इसकी फीचर फिल्म नहीं बन सकती ये ये एक दिन की कहानी है बस इतनी है, इतना ही है इसमें और मुझे ये रेटिंग ये सब इतना समझ नहीं आता मेरा गणित थोड़ा वीक है तो उन्होंने कहा नहीं 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 मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है तुम कोशिश करो तो इनके धक्के मारने की वजह से मैंने इसको फिर लिखना शुरू किया और अब आपके सामने है ये फीचर फिल्म अब बन गई अब एक दिन से चार दिन की हो गई है कहानी और इसमें जो प्रतिमा का जो कैरेक्टर है जो पहले थोड़ा कम था वो और उसकी एक जर्नी हो गई उनके बच्चे हैं दो छोटे बच्चे जिनको हमने उनकी भी बहुत अच्छी कहानी वो भी आपने देखा ट्रेलर में तो एक आम आदमी और उनके परिवार की जो एक स्ट्रगल भी है होप्स भी है जिंदगी जैसे होती है उसमें एक चीज़ तो होती नहीं है उसमें ह्यूमर भी है उसमें यू uh, नो you know, दुख भी है right. उसमें डिलेमास भी हैं सो इट्स इट्स वेरी लाइफ लाइक तो हम उसको एक किसी उसमें सिर्फ डाल दें तो शायद वो जिंदगी जैसी नहीं लगेगी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दैट सो ब्यूटीफुली एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन टू इनवाइट ऑन स्टेज समवन दिस जेंटलमैन इनको कंटेंट तभी तभी फील होता है जब ये अच्छा कंटेंट दे पाते हैं लोगों को फिर चाहे वो टीवी पे हो ओटीटी पे हो या फिल्मों में हो मिस्टर सो वेलकम सो गुड टू सी यू एंड सबसे पहले मुझे ये बताइए कौन सा एक और ये बोर्ड रूम में हुआ या कैसे हुआ था ये फैसला कैसे लिया गया था कि इस फिल्म को हमें बैक करना है एक्चुअली तो इन, इन मुझे तो उस चक्कर में हम लोग ने बातें शुरू की एंड uh, ये सारी कहानियाँ अच्छी थी नंदिता right. yeah. जैसे कह रही है एक एक करके सब निकल गए yeah. फिर कोविड आ गया सब ल, सब लोग घर में बैठे रहे एंड फिर उस दौरान में नंदिता रोडोरी इन फुल एंड देन द मिनट द फर्स्ट वेव गॉट ओवर एंड वी वर एबल टू कम बैक फिर हमने काम शुरू किया तो हाउ टू मेक इट एंड आई मस्ट से दैट इज नंदिताज इंस्पायर्ड चॉइस टू गेट कपिल पाजी बिकॉज यू नो आई मीन व्हेन यू थिंक ऑफ द कॉम्बिनेशन नंदिता दास एंड कपिल शर्मा वो बहुत दूर दूर की बात होती है तो बट नो शी वॉज क्वाइट कन्विंस शी वॉज एबल टू कन्विंस कपिल जो आपको लगता है की आपके दायरे के लोग है जरूरी नहीं है की वो है मतलब दिल से इंसानी तौर पर अगर देखे तो कपिल और मेरे में बहुत ऐसी हम घंटो बातें कर सकते हैं हंस सकते हैं सीरियस बातें भी करते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं लोगों को जी, जी. तो एक तरह से आई होप कि जो आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो एक खुले दिमाग से सिर्फ एक कहानी देखने आएंगे इन सीधे साधे लोगों की जो से. और इस तरह के किरदार हमारी फिल्मों से कम होते जा रहे हैं जब तक उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ड्रामेटिक नहीं होता हमें गांव की कहानियां नहीं मिलती हमें शहरी आम आदमी की कहानियां देखने को नहीं मिलती इट हैज़ टू बी समथिंग ओवर ड्रामेटिक एक आम आदमी की सरल कहानी आज के दौर की कि क्या उनकी लाइफ है इस पे फोकस करने का हमें बहुत कम मौका मिलता है सो आई एम होपिंग दैट